अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसके अभी हमने पीछे पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने ऊपर पावर ए लिखा था और बी लिखा था, अगर उन दोनों का मैं सम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि अगर रेट इक्वल्स टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी है, तो अगर मैं इन पावरों का सम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन मिल जाएगा। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है। उसने बोला है कि ए प्लस बी बनाता है, ए प्लस बी बनाता है पी, ठीक है, और उसने रेट लॉ दे रखा, क्या क्या देखा है, रेट लॉ आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। तो क्या करना है, हमें पता है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं पावर्स का सम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सॉल्यूशन देख लेते हैं, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2, सम करेंगे 1/2 प्लस 2, 2 नीचे आ गया, 2 टू 4, 4 और प्लस 1 इज 5, तो हमें मिल जाएगा 5/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया इसका कितना, 5/2, ओके।